हम लोग का भी सर सभी भाषाओं को अपने में मिला लेती है। मैं बोल भी सकता हूँ, मैं एग्जाम दे रहा हूँ, मैं परीक्षा दे रहा हूँ, मैं इम्तिहान दे रहा हूँ, या इम्तिहान बढ़ रहा हूँ या उर्दू एग्जाम इंग्लिश पर, लेकिन अन्य भाषाओं में ये चीज मेरे देखने को नहीं मिलती है। हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, जैसे इंग्लिश में बोल सकते हैं आई बोल परीक्षा देने जा रहा हूँ, आई भी भोजन खा रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल सकते, ये हास्यास्पद लगता है, ठीक है। लेकिन खींचना, इसको हम लोग फोर्स कहते हैं। ये दो तरह से होता है, ठीक है ना, एक कॉन्टैक्ट फोर्स
कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या हुआ कि जब आप किसी चीज को छूते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं, जैसे किसी को मारते हैं, धक्का देते हैं, पकड़ते हैं, हाथ मिलाते हैं, किसी भी चीज में ताकत लगाते हैं, तो उसको कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में एक सबसे और इम्पोर्टेंट चीज क्या होता है, वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कोई बता सकते हैं क्या होता है? फ्रिक्शन क्या होता है? घर्षण क्या होता है? प्लीज बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। एक क्या होता है कि फ्रिक्शन जो है एक नेसेसरी एविल, एविल मतलब क्या होता है? शैतान होता है, ठीक है ना। नेसेसरी मतलब क्या होता है कि जरूरत है। एक ऐसा शैतान जिसके बिना हम लोग जिंदा नहीं कर सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते। यानी आप फ्रिक्शन वो चीज है जो आप कीजिएगा वो ठीक आपके उल्टा करेगा। आप चलिएगा तो वो आपको धक्का देगा, नहीं रुकिए। आप खींचिएगा तो वो बोलेगा नहीं रुकिए, ठीक है। तो ये होता है फ्रिक्शन, ये हो गया आपका कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के? दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया? मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड का। और तीसरा एग्जाम्पल हम लोग क्या दे सकते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग क्लास करेंगे अभी, इसके बारे में एक चीज हो, सिंस यहाँ पे मोशन भी हम लिखे हुए हैं, तो ये जो फोर्स जो होता है ना, ये क्या होता है कि मोशन, ये तो एक दूसरे का पूरा है। यानी आपने धक्का लगा तो आपने मोशन लगेगा, है ना। आप बैठे हुए हैं, धक्का आपको कोई मारा तो क्या होता है कि आपको मोशन लगेगी। इसको ठेलेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा हिलेगा, अपने मोशन गति। तो गति बता सकते हैं कोई क्या होता है गति? सर आप तो खुद गति में है। हाँ, तो खुद गति में है। वो क्या होता है कि द ऑब्जेक्ट जब अपना प्लेस चेंज करता है अपना सराउंडिंग के हिसाब से, जैसे आप लोग अभी स्थिर है, स्टैटिक है, इस सराउंडिंग के हिसाब से जैसे हम चल रहे हैं, तो ये हुआ गति, ठीक है ना, गति में। ठीक, जैसे हमारी पृथ्वी रिवॉल्व कर रही है, रोटेट कर रही है, तो ये भी गति में है। तो ये होता है गति। तो इसका गति का क्या होता है, कुछ नियम भी हम लोग का, इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन क्या हो कि जब आप एक सीन में लेकिन आज आने का मन था, जब घर से निकला तो लगा
गाना सुने, एक गाना सुने और हमने एनर्जेटिक आ गया। वो क्या गाना क्या था आपको भी सुना देता हूँ। रुक जाना नहीं तुम हार के, चलेंगे रास्ते पे कांटे मिलेंगे हर बार, लेकिन रुक जाना नहीं तुम हार के। और दूसरी गाना तभी बज रही थी, दुनिया में रहना है तो कुछ काम करना पड़ेगा। तो हमको इससे एनर्जेटिक मिल गई और हमने साहित्य के टीचर हैं तो साहित्य की बात हो रही है। देखिए आप लोग साइंस में कैटलिस्ट के बारे में पढ़ते होंगे, कैटलिस्ट का प्लीज साइलेंस, आप लोग चुपचाप रहें तो मेरी टॉपिक और मेरी लिंक नहीं टूटेगी। हो सकता है मेरे अंदर से बहुत सारी बातें जो आ रही है वो ना आए। तो कैटलिस्ट का साइंस में काम क्या होता है, कुछ नहीं करता वो, सिर्फ दूसरे प्रोडक्ट को पुश करता है कि आप ये चीज़ इसके साथ मिलकर तीसरा प्रोडक्ट बनाओ। हिंदी भी वही काम करती है। अगर हम साइंस में निराश हो जाते पढ़ते पढ़ते, अगर आप कविता पढ़ लीजिए, आप कोई मोटिवेशन कहानी पढ़ लीजिए, तो आपको वो ताकत मिल जाती है साइंस को समझने का और साइंस को किसी को और को समझाने का। पढ़ना इस तरह से चाहिए ताकि आप किसी और को समझाएं। छात्रों आपसे मेरी यही आशा रहती है कि यहाँ पे जो मैं इस बोर्ड पे जो समझाता हूँ, अब से जो विद्यार्थी हैं अगर आपसे पूछे तो आप मेरी ही बातें अगर समझा देते हैं तो ये मेरी सफलता होगी और साथ साथ दुगनी सफलता आपकी होगी कि आपने मेरे टॉपिक के द्वारा जो समझाया गया था आपने समझा लिया। वचन के प्रकार के बारे में पढ़े थे और पिछली कक्षाओं में आपने चिड़िया को भी देखा था, है ना। चिड़िया कैसी थी आपको रंग भी बताया था आपने, और सभी ने बताया था कि चिड़िया है सर, और आपने ये भी बताया था कि ये दो डाल पे बैठे ये कौन चिड़िया है, तोता देखे हैं। तोता का ये नाम क्या होता है, मिट्टू। मिट्टू और लगभग किसी के घर में आप लोग देखे होंगे या आपके भी घर में होंगे। जी मैं किसी का नाम सुगा होता है, इसको हिंदी में पर्यायवाची शब्द कहते हैं। हम लोग पढ़ेंगे कभी अगर ये टॉपिक हम लोग को सिलेबस में मिली तो, ठीक है। और ये चिड़िया है और आप लोगों को हमने एक, ये कितनी चिड़िया है और हमारी क्लास में कितने बेंच हैं, बहुत सारे। काम जो नहीं किए वो बोलेंगे बहुत सारे। हमारे हाथ में कितने पेन हैं, दो। ठीक। और लेकिन हम लोग इतना तक क्लास करने के बाद बोले थे कि वचन के भेद जानने के, वचन की परिभाषा जानने के बाद तो क्लासिफिकेशन जो करेंगे, वर्गीकरण जो करेंगे, दो। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं दो कॉलम बनाया हूँ, एक वचन बहुवचन। आप देख सकते हैं कितने आ जाए यहाँ, एक। तो हमने क्या लिखा, आप लिखा है। और यहाँ कितनी आंखें हैं, दो। चित्र में दो आंखें नजर आ रही हैं, मैंने यहाँ आंखें लिखा है। तो ये बहुवचन वाले कॉलम में है और ये एक वचन वाले कॉलम में है। तो जिस संख्या से, जिस शब्द से एक होने का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं, और जिस शब्द से हमको ये लगे कि बहुत ज्यादा है उसको क्या कहेंगे, बोलिए एक बार सभी एक साथ एक स्वर में बोलिए, उसको क्या कहेंगे, बहुवचन। दोस्तों और छात्रों आप हमारे दोस्त भी हैं, जब हम दोस्त बनते हैं तो सहजता से बना सकते हैं। आप जब हमारे साथ दीजिएगा तो हम भी कोऑर्डिनेशन में आगे क्या करेंगे, बढ़ेंगे। आप ये बताइए ये पेंसिल किस कॉलम में है, बहुवचन वाले कॉलम में या एक वचन वाले कॉलम में, ये वाली पेंसिल बहुवचन वाले कॉलम में। गुड। यहाँ एक तारे बनाए गए हैं और यहाँ कितने तारे हैं, देखिए हमने शब्द को यहाँ तारा लिखा है, यहाँ तारे लिखे हैं, यहाँ पेंसिल लिखा है मैंने, यहाँ पेंसिलें लिखे हैं, ठीक है। और आसमान में कितने तारे हैं, बहुत सारे तारे हैं। और हम लोग जो अब अगले क्लास में बात करेंगे, ये बात करेंगे कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाई जाती है। जैसे आपको बताते हैं हम एक वचन बोलेंगे, आप बहुवचन बोलिएगा, ठीक है। लड़का, हाँ, आपने लिंक के बारे में बता दिया, फिर कभी उस टॉपिक पे हम लोग आएंगे, है ना। और अगर हम बोले कलम, नदी, गुरु, पकड़े गए, टाइमिंग के साथ चल रहे थे हम लोग। गुरु का क्या होगा, कोई बताए, हम लोग क्या किया, पहला नंबर पे यहाँ न्यून कोण है, इसको हम लोग
थीटा से दर्शा देते हैं। जब थीटा से दर्शा देंगे तो त्रिकोणमिति का नियम कहता है, पहला नियम कहता है कि थीटा के सामने का कोण लंब कहलाता है। थीटा के सामने का कोण क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा, पहला नियम कहता है। दूसरा नियम कहता है कि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाएगी। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। उसके बाद जो भुजा बच गया उसको आधार कहेंगे, ठीक है। लेकिन जब गणित भाषा का उपयोग करते हैं तो वहां पे एंगल से रिलेट करते हैं, थीटा से सटा हुआ कोण को जो है हम लोग आधार कहेंगे। जैसा कि आपका यहाँ पे चित्र पर दिखाया गया है, ये आपका न्यून कोण है। इस न्यून कोण को आपको थीटा से दर्शा दिया गया, इस थीटा के सामने का भुजा ये है, इसको हम लोग लंब कहेंगे। फिर त्रिकोणमिति का दूसरा नियम क्या कहता है? 90 डिग्री के सामने का कोण कर्ण कहलाता है। 90 डिग्री हमारा याद है, इसके सामने का भुजा आपका क्या है? जो भुजा आपको दिखाई दे रहा है वो आपका कर्ण होगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि एक भुजा बच जाता है, जो बचा हुआ भुजा है वो आपका आधार है। लेकिन हम लोग को किससे रिलेट करना है? थीटा से। थीटा से सटा हुआ भुजा आपका कौन है? आधार है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट बोले सर थीटा से सटा हुआ भुजा आपका कर्ण भी है, लेकिन त्रिकोणमिति का दूसरा नियम पहले क्या कह देता है कि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, तो ऑटोमेटिक इस भुजा का बात खत्म हो जाता है। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखिए, जब इस न्यून कोण के बारे में जान जाते हैं, इस न्यून कोण के भी बारे में जानेंगे, इस बार यदि इसको हम लोग थीटा मानते हैं, एक बार क्या करेंगे, इस एंगल को भी थीटा मान लेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे? Thank you.